हो गया है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के लिए संघर्ष है जारी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज 2023 की भर्ती पे, ना कि 2020 वाली पे। 2023 की जो भर्ती निकली है दोस्तों, इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं सभी पोस्टों के। समझ गए मेरे भाई, एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर हो, ट्रेड्स हो, हेड कांस्टेबल हो, सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जा रहे हैं। कुछ के जारी हो गए हैं, बाकी के भी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पूरा एडमिट कार्ड दिखाता हूं। अपने राजस्थान के भाई हैं जिन्होंने मुझे भेजा, इन्होंने ये एडमिट कार्ड, और ये मैं अभी ड्यूटी से आया था, मैंने अपने भाइयों को जानकारी दे देता हूं। क्यों, आप काफ़ी समय से बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे सर इसका कब तक जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो हम बताए थे कि दोस्तों इसकी भी जल्दी ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है एसएसबी में इस टाइम पर भर्तियों की कमी है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जैसा आप देख रहे होंगे पिछली वाली 2020 की भर्ती को कितना फास्ट वो करा रहे हैं, उनका बस सिर्फ मेडिकल बचा है, उसके बाद में आपकी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया गुड न्यूज निकल के आई है, आप लोग एकदम खुश हो जाइए और मेहनत को दमदारी से तरीके से शुरू कर दीजिए। और इस बार फिजिकल में फेल होकर नहीं आना, हर हालत में आपको पास होके आना है। तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, क्या क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, कहाँ पे जाना है, सब कुछ, रिपोर्टिंग टाइम, आपका सेंटर, सब कुछ आ गया है। तो एक बार पूरा मैं आपको जो है दिखाता हूँ एडमिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर नहीं लगे फिजिकल की तैयारी में तो लग जाइए, 2023 वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो हर हालत में हमें सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो एसएसबी में इस बार भर्ती होना है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, और फिलहाल अभी आपको एक बार ये दिखाता हूँ पूरा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ये देखिए ड्राइवर की पोस्ट का एडमिट कार्ड है, आप देख रहे होंगे आवेदित पद का नाम कांस्टेबल ड्राइवर मेल 2023 की भर्ती, जिसका जो है फॉर्म डिलीवर भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, बच्चे इंतजार कर रहे थे बहुत तेज़ी से कि इसका सर कब तक जो है हम लोगों का फिजिकल होगा। देखिए आपके फिजिकल कन्फर्म हो गया है, यहाँ पर आपकी जो है आ चुकी है डेट, समझ गए, एससी कैटेगरी में है ये देखिए, और इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। इनका फोटो सिग्नेचर नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे। और इनका देखिए कै तारीख को है, तारीख देख लें दोस्तों, पीईटी पीएचटी के लिए भर्ती स्थल में रिपोर्टिंग की तारीख और समय 30/10/2023 सुबह 6 बजे, ठीक है। कहाँ पर जाना, स्थान का नाम और पता, तो इनका देखिए DIG RTC SSB सुपौल में इन्हें जाना, विलेज असनपुर कुपदा पोस्ट पारा मढ़ा किशनपुर और डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार, बिहार में देखिए इन्हें जाना पड़ेगा। राजस्थान के मेरे भाई हैं, इन्होंने अपना एडमिट कार्ड भेजा है। और इसमें देखिए आवश्यक निर्देश फिर पढ़ लेते हैं, आवश्यक निर्देश क्या क्या दिए हैं। बायोमेट्रिक आपका पंजीकरण के निर्धारित समय पर उपस्थित हो तथा अन्य औपचारिकताओं को समय से पूरा करें। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, परिसर में किसी भी प्रकार के मूल्यवान सामान हथियार आदि का लाना प्रतिबंधित है। भर्ती केंद्र प्रवेश के बाद उम्मीदवार को भर्ती की समाप्ति के बाद ही भर्ती केंद्र से बाहर जाने के दिया जाएगा। अतः उम्मीदवार से अनुरोध है कि वह अपने दोपहर का भोजन पानी अपने साथ लेकर आए। भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली चोट, क्षति, मृत्यु, बीमार के SSB जिम्मेदार नहीं होगा। सक्षम पदाधिकारी को बिना किसी कारण बताए भर्ती में बदलाव करने, रद्द करने की स्थिति में पूर्ण अधिकार है। तो दोस्तों आप आप देखते हैं छठा पॉइंट क्या है। किसी भी रूप में प्रचार या बाहरी प्रभाव, दबाव, अवैध संतुष्टि की पेशकश, ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेल की धमकी देने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अवैध दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस सब में रहता ही लिखा हुआ, भर्ती परिसर में किसी भी रिश्तेदार के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे आपके साथ कोई जाता तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। नौवां पॉइंट देखते हैं, उम्मीदवार को अपनी पहचान के एक फोटो पहचान पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ में लाना होगा, अन्यथा उन्हें भर्ती केंद्र प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल आईडी अपनी लेकर जानी है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान उम्मीदवार को बाएं अंगूठे के निशान लिए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवार अपने बाएं अंगूठे के साफ सुथरा होना सुनिश्चित करें। और शारीरिक दक्षता, 11वां पॉइंट देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के लिए कोई यात्रा किराया स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के लिए 2 से 3 दिन तक रुकना होगा, अतः इस दौरान उम्मीदवार अपने आवास, भोजन की सुव्यवस्था स्वयं करेंगे, समझ गए। 2 से 3 दिन आपके लगने वाले हैं। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अवैध ऊर्जावान दवाइयों
दवाओं के उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है शारीरिक दक्षता परीक्षण में, मतलब कोई ऐसी आपको जो है ताकत की दवाई नहीं लेनी है। अब अगला 13वां पॉइंट देखिए, एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। नवीनतम अपडेट 14वां देखिए पॉइंट है, परिणामों के लिए उम्मीदवार SSB की भर्ती वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, एक ID लेके जानी है, और बाकी इन्होंने कुछ ऐसा ज़्यादा दिया नहीं है, फिर भी एक फ़ोटो अपना